हेलो गाइज, तो कैसे हो आप? सलो सबका वेलकम हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज है 25 दिसंबर और आज है बड़ा दिन, तो सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अलग होने वाला है। तो ट्रिप का तैयारी अभी चल रहा है, तो हम और अखिलेश जाने वाले हैं। मऊ कुछ सामान लेके आना है ट्रिप का, जो कैंपिंग में हम लोग को यूज कर रहे हैं। तो गाइज, इसके बाद आप लोग को बहुत ही स्पेशल वीडियो देखने के लिए मिलेगा कैंपिंग वाला। तो जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, बगल में आईडी दिया गया है। तो गाइस, देर ना करते हुए चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी आ गए हम लोग फातिमा हॉस्पिटल के साइड और चलते हैं। देखिए पूरा लगा हुआ है। बाइक कहाँ लगाओगे? बाइक अंदर जाएगा? चलो, बाइक तो चला जाएगा जी, लगा दो। और देखिए, आज ये हॉस्पिटल है, फातिमा हॉस्पिटल, और यहाँ पर मेरी क्रिसमस का सब लगा हुआ है। देखिए आगे से डेकोरेशन कितना मस्त दिया गया है। पर बंद है क्या अंदर का? बंद है। अब पता नहीं किधर है, शायद उस साइड है। अखिलेश आ जाता है, दिखाते हैं क्या है बाइक पार्क करने के लिए। और इसमें पार्किंग का भी है, पर पता नहीं क्या हुआ है, शायद जगह नहीं होगा, फुल हो गया होगा, तो अखिलेश गया बाहर पार्क करने के लिए। तो आता है, फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे और अंदर क्या डेकोरेशन किया गया, फिर दिखाते हैं आप लोग को। आए थे उसका कुछ मेडिकल का रिपोर्ट लेने के लिए, सोचें कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया जाए अभी। और क्रिसमस है आज, तो हर जगह ही सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए यहाँ पे लगाया गया है कुछ ऐसे लाइट वेट। अंदर नहीं है ना उसमें अखिलेश? क्या जी? उधर नहीं है ना? तो गाइज, अंदर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो स्कूल वालों के लिए, जो इधर नर्सिंग का जो पढ़ाई करता है। तो बाकी जो था यही था, बाहर का आपको दिखाया इधर। और यहाँ चलते हैं हम लोग। अब अखिलेश भी अपना काम कर लिया, जो उसको लेना था वो भी ले लिया, और यहाँ से निकलते हैं बाहर हम लोग। देखिए पीछे, तो आ गए हम लोग गाजीपुर तिराहा पे। कहाँ चलो, वहाँ पे क्या? चलो इधर भी कुछ काम है। तो गाइज, हम बाहर बैठे हुए हैं और अखिलेश गया है रिपोर्ट लेने के लिए। और ये रहा देखिए इधर, तो अंदर और 5-7 मिनट का काम है, तो अपना रिपोर्ट ले रहा है, बाकी हम बाहर बैठे हैं। देखिए आ रहा है इधर से, तो फिर यहाँ से निकला जाएगा। अब उसके बाद सारा सामान लेना है, जो भी लेना है। तो चलते हैं गाइज, एक कॉफ़ी पीते हैं। अखिलेश उधर है, क्रीम खोज रहे थे, क्रीम नहीं मिल रहा। बाकी यहाँ पर कुल्हड़ का दुकान है, चाय पीते हैं। एक दे दीजिएगा कूलर वाला। तो गाइज, आ गए यहाँ पे, एक छोटा सा मॉल है वीमार्ट करके, और एक क्रीम लेना है। यहाँ पे देखते हैं मिल जाता कि नहीं। बाकी 3-4 मेडिकल पता किए, मिला नहीं है, तो सोचे इसमें देख लिया जाए। इसमें कॉस्मेटिक का सारा कुछ है। ये रहा सामने, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 घंटा हो गया हम लोग आए हुए। बाकी देखा जाता है क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता है। चलते हैं इसके अंदर, जाते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे क्या है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आ गए हैं अंदर, तो कुछ देख लिया जाता है इधर क्या क्या मिल रहा है। इधर लेडीज का है वरना जी, क्या है, सर फोड़ने वाला है, सर फोड़ने वाला मिलता है हम लोग का, जेंट्स में मिलता है। देख रहे हैं, बोले हैं कि आगे मिलेगा, क्या होता है। देखिए पूरा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं मिला। और चलते हैं आप सीधा कॉस्मेटिक दुकान पे। काख ले कहाँ पे, कहाँ भारत बाजार है, क्या कॉस्मेटिक है, चलो देख लिया जाता है। उधर मेडिकल का दुकान बड़ा बड़ा है, वहाँ मिल जाएगा। चलो पैदल ही चलते हैं, देखते हैं।
निविया का क्रीम मिल जाएगा क्या? देखा जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ क्रीम का वैरायटी तो ज़्यादा है, पर कहाँ पर वो नहीं चाहिए, लंबा में आता है। इधर है, इधर है फेस वाश, फेस वाश, फेस वाश है जारा जी। देखो इधर दिया है पर फेस वाश। इसका नाम फोन पे कहाँ बाइक उधर ही है, चलो गाइस ये रहा, मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी लगा था कि नहीं मिलेगा, पर निकाले हैं भैया, पता नहीं कहाँ रखे थे। हाँ सामने था तो इधर था ना, हम लोग को फेस वाश, फेस वाश दिख रहा था ट्रैफिक के। यहाँ पर रुके हैं चाय पीने के लिए और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत फेमस दुकान है मऊ का। बाकी इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद सारा काम हो गया। एक चीज़ और लेना है, उसको लेके यहाँ से निकला जाएगा घर के लिए। बाकी देखिए भीड़ पर रेला लगा हुआ है यहाँ पे। भाई सारा काम करके अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और इधर एक भैया से हम लोग का काम था, जो कैंपिंग का सामान कुछ आया था वो भी ले लिए और रख लिए हैं डिक्की में। और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। और भी कुछ सामान जो हम लोग को लेना है तो गांव पे ही मिल जाएगा। जो सोने वोने का व्यवस्था है, जैसे जो कैंप में लगाया जाता है, तो सारा सेटअप अभिनेश बनाया है, तो वो तो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेगा। जब अगला ब्लॉग अगर करेंगे तो उसमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ से हम निकल रहे हैं घर के लिए। देखिए पीछे का नज़ारा, और मऊ में हम लोग अभी हैं, चलते हैं यहाँ से। और वीडियो में बस इतना ही। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बगल में आईडी दिया गया है। तो भाई इस वीडियो करते हैं, वीडियो देखने थैंक यू सो मच।